दोस्तों जय हिंद। आज एक ऐसा टॉपिक है, और ये टॉपिक नहीं है भाई, ये मुद्दा है, और ये मुद्दा दब जानी चाहिए, ये उठना चाहिए। और बात ऐसी है कि आज इंसानियत इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है, लोगों की मानसिकता और लोगों का जो व्यवहार है इंसानों के प्रति, तो हम लोगों को पता है कि इंसानों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, बट जानवरों के साथ जो तुम्हारा कुछ ले भी नहीं रहे उनके साथ लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मैं बताता हूँ आपको मुद्दा क्या है। जो लोग एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं, या किसी भी तरह का कोई भी एनिमल उन्होंने पाला है, अब तक ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो इस समय इंडिया के यूट्यूब में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही वीडियो ट्रेंड कर रही है, और वो है पूजा ढिल्लन अरेस्ट। कौन है पूजा ढिल्लन, चाहती क्या है? तो पूजा ढिल्लन है लखनऊ के अंदर एक लड़की जिसने अपनी चलती हुई गाड़ी में एक बेरहमी से एक छोटे से पिल्ले को मार डाला, वो भी अपनी सैंडल से। क्या कहोगे भाई, और ये तो मुसलमान भी नहीं है, नहीं तो तुम लोग बोलते हो कि ईद के दिन मुसलमान ऐसे बेरहमी से मारते हैं, अब क्या बोलोगे बताओ, आवाज़ उठाओगे? इतने सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, केरल में हथिनी को मारा तो सब लोगों ने आवाज़ उठाई, इस डॉग के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मुझे उम्मीद है कि जो भी एनिमल लवर है, डॉग लवर है, वो मेरी इस वीडियो को शेयर करेगा और आगे तक पहुँचाएगा, और इस आवाज़ को दबने मत देना, हमेशा उठने देना, क्योंकि जो भी एनिमल लवर है, आपको भी पता है कि आपके पास भी डॉग है या कोई भी एनिमल है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भाई दो तीन दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी, तो जब मैंने उसे देखा तो मेरा खून खौल गया कि इस तरह कोई कैसे मार सकता है। एक महीने जिसकी उम्र 20 से 25 दिन की उस डॉग को एक लड़की है जिसका नाम पूजा ढिल्लन बताया जा रहा है, लखनऊ की, उसने मार डाला। पता नहीं लोगों को ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर आप लोग किसी के साथ गलत कर रहे हो तो ऊपर वाला जो खुदा है ना, वो सब लिख रहा है, और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो भी लिख रहा है, तो दोनों तरह से वो लिख रहा है, ठीक है। और जो लोग ये गलत काम करते हैं वो ना ही किसी धर्म के होते हैं, ना किसी जाति के होते हैं, वो सिर्फ एक अपराधी होते हैं, उनकी कोई ना जात होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। तो भाई बात सिंपल ऐसी है कि इस लड़की को अरेस्ट करना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि क्यों इस लड़की ने किस बेरहमी से इस छोटे से डॉग को अपनी चलती हुई गाड़ी में इतनी बुरी तरह मारा कि वो मर गया। इतनी बदतमीज लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो ऐसे जानवरों को मार रहे, पता नहीं क्या बिगाड़ रहा है। सिर्फ दो रोटी दे दोगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी खुदा की, अब कोई मीडिया नहीं बोलेगा इस बारे में, इसलिए हम जैसे लोगों को मिलना। अगर ये मामला अगर दिल्ली में होता तो मेरे साथ जितने भी NGO, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनकी मदद से मैं जरूर इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलाता हूँ। पर अब बारी है हम लोगों पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ट्रेंड कराओ, अपनी खुद की वीडियो बनाओ और ट्रेंड करो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, डालो #forpuppy। तो क्यों ना, ये हो क्यों रहा है? दरअसल आप लोगों को बात जानने की ज़रूरत है कि कोई भी अपराधी जो होता है ना, अपराध करने से पहले ना उसे ज़्यादातर पता होता है कि मैं इस अपराध से कैसे बचूंगा, मुझे बेल मिलेगी या मैं जुर्माना दूंगा। इसी तरह इंडिया के अंदर कई तरह के एनिमल एक्ट बने हुए हैं, नियम है, पर इन लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं है। ये है क्या, अगर कोई भी व्यक्ति जानवरों के साथ मारपीट करता है, उन्हें मारता है, अपाहिज बनाता है, तो उसके लिए हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, 428-429 IPC की धारा है, ठीक है, याद रखना IPC की धारा 428 और 429 हमको ये अधिकार देता है कि ऐसे जो कमीने लोग हमारे समाज में है ना, इन लोगों को सजा दिलवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास जितनी भी लोग
एनिमल्स के साथ व्यवहार करते, गंदा उन्हें मारते हैं, अपाहिज बना देते हैं, इस कानून के तहत उन्हें सजा दिलवाओ, उनकी वीडियो वायरल करो, FIR करवाओ, फिर देखो इन लोगों की क्या हालत होती है। पर कहीं ना कहीं ये जो लॉ है, मेरे हिसाब से, अगर मेरी ओपिनियन समझोगे, मेरे हिसाब से इसके इस लॉ में कहीं ना कहीं और जो प्रावधान है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 428 और जो 429 है ना, इसमें सिर्फ 2 से 5 साल की सज़ा होती है और 10 से 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, और इसमें बेल भी मिल जाती है। इसलिए ये जो अपराधी होते हैं ना, भड़वे अपराधी, ये ऐसे करते हैं। तो अब तो इस लड़की को जो है पूजा ढिल्लन, आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह ये वायरल करो वीडियो को। पूजा ढिल्लन नाम की लड़की को अरेस्ट करो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पुलिस अरेस्ट अपने अब तक किया नहीं है, और क्योंकि उल्टा प्रदेश है, यूपी में तो वैसे भी कुछ चलता नहीं है। तो यही बात है भाई, इस लड़की ने लखनऊ के अंदर एक पप्पी को मार डाला। तो भाइयों, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपनी वीडियो बनाओ, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह वायरल करो, और हमेशा जानवरों के साथ व्यवहार करो, कानून को जानो और नियमों का पालन करो। जय हिंद।